ये है महर्षि का आश्रम जहाँ पर बीटल आके यहाँ पर रुके थे। और ये इतना खूबसूरत और इतनी शांति है यहाँ पर। वो एक 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 डिसाइपल एक एक कमरे में रहते थे, ऐसे कुटिया में रहते थे, कमरे तो नहीं थे, कुटिया थे। ऊपर ये लोग मेडिटेशन करते थे यहाँ पर, और यहाँ पर वो लोग रहते थे। यहाँ पर उनका बाथरूम वगैरह है, और अंदर कपड़े रखने के लिए बहुत सारी जगह उनके लिए है। तो एक इंसान के लिए एक कुटिया जहाँ ऊपर बैठ के मेडिटेशन करो, और बहुत ही शांति है यहाँ। अब तो मतलब कोई नहीं है, तो सिर्फ लोग आके साइट सीइंग देख रहे हैं, और यू नो कोई मतलब कोई भी डिसाइपल नहीं है, लेकिन बहुत ही बहुत खूबसूरत है। और जब यहाँ पर लोग रहते होंगे, कितनी शांति उन्होंने प्राप्त की होगी। देखिए ऐसी कुटिया कितनी सारी बनी हुई है, बहुत सारी। अब आप देख सकते हो यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, और हर एक कुटिया एक डिसाइपल के लिए। आप देख रहे हो कितने खूबसूरत है। ऊपर बैठो और अपना ध्यान करो, और नीचे रहो, और ऐसे बहुत कुटिया बनी हुई है। तो यही आपको दिखाना था, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और सामने ही गंगा जी बह रही है, तो उसकी आवाज़ भी आती है, तो मेडिटेशन करने में कितना अच्छा लगता होगा सोचिए। मतलब कितना पीसफुल, बस सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, और यहाँ सामने गंगा जी बहती है। आप अगर देखोगे, अब शायद यहाँ से नहीं, मैं थोड़ा आगे से दिखाती हूँ आपको, कि बहुत ही बहुत लोग आते भी हैं देखने के लिए। अब यहाँ पर टिकट लगी हुई है देखने के लिए, लेकिन ये देखने जैसा है, क्योंकि ये वाला आप कुटिया देखिए, पूरी ऊपर तक ये बंद हो गई है। ये पूरा बेलों ने इसको लिपट लिया है, और कितनी खूबसूरत लग रहा है। लेकिन यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, और कितना खूबसूरत है आप देख रहे हो। और यहाँ सामने आप देखोगे कि यहाँ पर से गंगा बह रही है। हर हर महादेव, जय गंगे मैया, जय हिंद, वंदे मातरम।